जैसे ही 10th का एग्जाम खत्म होता उसके बाद 10th के अधिकांश स्टूडेंट जो है इस टाइप के माइंडसेट सेट कर लेते हैं कि अब हम टेंशन फ्री हो गए, यानी अब हमको जो है लाइफ में उतना टेंशन नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं से जो है बैड हैबिट है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाले हैं कि 10th के बाद भी जो है आपके पास बहुत सारा जिम्मेवारी होता है। कहने का मतलब देखा जाए तो लाइफ में जो है 10th तक कुछ खास जिम्मेवारी हमको नहीं मिलता, जिम्मेवारी का स्टार्टिंग 10th के बाद होता है। यानी एक तरीके से ऐसा समझिए कि टेंशन जो है 10th के बाद ही शुरू होता है, 10th तक टेंशन नहीं है। 10th तक जो है नॉर्मल एक तरीका से बच्चे को माइंड में एक सेट रहता कि चलो हमको पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम देना है, पास वगैरह करना, बस इतना सेट रहता है। लेकिन 10th के बाद जो आपके पास बहुत सारा फील्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आप अगले क्लास में जाते हैं तो आपके सामने तीन स्ट्रीम दिखता है, साइंस दिखता है, आर्ट्स दिखता है, कॉमर्स दिखता है, इसके अलावा भी बहुत सारा सेक्टर जिसमें आप जा सकते हैं। तो यहां पर आपको डिसीजन लेने का समय होता है कि एक्चुअली में आपको क्या करना, चूंकि यही का डिसीजन जो है आपके आगे के लाइफ को जो है निर्धारित करता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि 10th के बाद इतना ज्यादा रिलैक्स फील करने लगते हैं, रिलेशन में घूमना शुरू कर देते हैं, कहीं दूसरे जगह जाना शुरू कर देते हैं, किसी दूसरे पार्क वगैरह में मतलब जैसे तैसे घूम करके जो है अपने टाइम को पास करना शुरू कर देते हैं। और वैसे करते करते धीरे धीरे आपको पता है कि 10th एग्जाम देने के बाद थोड़ा लेट से ही रिजल्ट वगैरह आता है, तो उसमें भी काफी सारा टाइम निकल जाता है। और ऐसे करते करते फिर बाद में बच्चे सोचते हैं कि एक्चुअली में हमको करना क्या है, साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है, पढ़ना कहाँ है, क्योंकि कंट्री में अपने बहुत सारा जगह पढ़ने के लिए। इसी क्रम में जो है बच्चा आधा से ज्यादा टाइम को पास आउट कर देता है और उसके बाद पढ़ाई शुरुआत करता है। धीरे धीरे स्टेबल करते करते अधिकांशतः बच्चे जो है 11th को बर्बाद कर देते हैं। और 11th को बर्बाद करने का मतलब ऐसा मत समझिए कि सिर्फ 11th बर्बाद हुआ, 11th बर्बाद करने का मतलब सबसे पहले तो आपका 12th बर्बाद हुआ, क्योंकि 12th जो है डायरेक्टली जो है 11th के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम को लेते हैं, साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, किसी भी स्ट्रीम को लेते हैं, तो 12th जो है कहीं ना कहीं 11th के ऊपर डिपेंडेंट होता है। साइंस लेते हैं तब तो और ज्यादा डिपेंडेंट होता है, क्योंकि साइंस में अगर आप 11th ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो 12th जो है आपके लिए समझना बहुत ही मुश्किल काम होगा। और साथ ही साथ अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मान करके चलिए कि 60% से लेकर के 70% तक रोल जो रहता है 11th का रहता है, और 40% से लेकर के 30% तक जो रोल रहता है वो किसका रहता है, तो 12th का रहता है। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं 11th का ही बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ ही साथ अगर आप 11th 12th को फाइनल कर लेते हैं, इसके बाद भी लाइफ में बहुत सारा चीज होता है जो आप करते हैं। यानी जैसे मान लेते हैं आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस से रिलेटेड अगर आगे कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी 11th 12th का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक 11th डैमेज होने की वजह से 11th तो गया आपका, साथ ही साथ 12th भी गया, और आगे का जो एम है उसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसी कारण आप देखते होइएगा कि बहुत सारे बच्चे जो है 11th 12th जो है साइंस से करते हैं लेकिन आगे बढ़ने के बाद आर्ट्स वगैरह ले लेते हैं, किसी दूसरे चीज को ले लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपने आप को जो है जिस लेवल के लायक पहले सोचते थे उससे कहीं ना कहीं डाउन कर लेते हैं। तो इसका मेन रीजन यही होता है कि जब आप 11th 12th में अच्छा से फोकस नहीं कीजिएगा तो उस सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि आगे जाने के बाद आप अपने एम को इंक्रीज नहीं कर सकते, आपके अपने एम को डिक्रीज करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा जब 10th तक रहता है ना तो उतना समझ नहीं रहता, कोई भी बच्चा से पूछेगा क्या करना है तो बहुत बड़ा बड़ा एम बताएगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि 11th 12th में आने के बाद जब उसके ऊपर प्रेशर बनता है, जब उतना काम को नहीं कर पाता तो धीरे धीरे अपने एम को क्या कर लेता है, डाउन कर लेता है। तो हमारा मानना है कि 10th के बाद आप रिलैक्स नहीं कीजिए, 10th के बाद जो है पहले जितना आप मेहनत करते थे उससे दोगुना से कहीं ज्यादा तरीके से आप मेहनत कीजिएगा तो आप आगे जाकर के जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। और एक चीज जो अपने माइंड से एकदम हटा ही दीजिए कि आगे जो है टेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि टेंशन नहीं मिलने का मतलब जो है इंसान या फिर कोई भी स्टूडेंट है अपने आप को एक तरीके से बर्बाद कर लेता है। तो टेंशन आना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा मानना है कि टेंशन आए तो कंटिन्यू टेंशन बना नहीं रहे। जैसे मान लेते एक टेंशन आया, उससे रिलेटेड हम काम किए, उस टेंशन को खत्म किए, फिर कोई दूसरा टेंशन आया, यानी टेंशन का आना जाना जो है जारी रहना चाहिए, यही हमारे लाइफ का पार्ट होता है। और विशेष करके जो भी 10th वाले स्टूडेंट है जो 10th का बोर्ड एग्जाम दिए, आप लोग ध्यान रखिए कि 10th का बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपका टेंशन खत्म नहीं हुआ, टेंशन का यहाँ से शुरुआत हो गया। अगर आप 11th में पढ़ना शुरू करेंगे फिर आपको फील होगा कि नहीं 10th तक तो कुछ था ही नहीं, पढ़ाई का शुरुआत अब भी से हो रहा है। इसलिए 10th के बाद आपका जो भी टाइम बचा हुआ उस टाइम को बर्बाद न करें, क्योंकि 11th बर्बाद करने का मतलब हुआ कि आपका 12th बर्बाद होगा और बाद में कहीं ना कहीं आप अपने एम को जो है डाउन ही करेंगे, अब करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए आपसे आशा करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 10th के बाद अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे और कंटिन्यूअस 11th में अपने पढ़ाई को शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।